आज मैं और हमारे तमाम दोस्त यहाँ आए हैं, हमने NA-57 में अपनी नॉमिनेशन फाइल की है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जीतने के बाद जो काम पहले हुए हैं उनसे डबल काम इंशाल्लाह होंगे। रोज़गार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों के इनफरादी और ज़ाती और इज्तमाही कामों के हवाले से, और जो लोगों की महरूमियाँ रही हैं, मुश्किलात रही हैं, उनको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि जी मैं इनका ये जो पिछला 5 साल दौर रहा है इस पर रोशनी डालूं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अंधेरों के अलावा और यहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हर फील्ड में अंधेरा रहा है। रोज़गारी, रोज़गार को इन्होंने ख़त्म किया, बेरोज़गारी, महंगाई, करप्शन, आप देख लें बिजली का की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, CNG के ऊपर बेशुमार अनगिनत लाइनें लगी हुई हैं। कोई ऐसा शोभा नहीं है जिसमें इन्होंने कुछ बेहती का काम किया हुआ किया हो। तमाम मामलात जो हैं वो माइनस पे गए हुए हैं। मैं दो हलकों से इंशाल्लाह, NA-57 और NA-58। मैं सब आपके ग्रुप के कितने उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं जिला टक्स में? हम तमाम नेशनल और प्रोविंशियल सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ग्रुप की हैसियत में इंशाल्लाह। सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं आपके? ये हमारे 5 के 5 उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से वो पेपर दाखिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरा जिले के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह। मेहरबानी।